इंडियन प्रीमियर लीग का आज मैच नंबर 4 था, जो कि राजस्थान रॉयल और लखनऊ सुपर जायंट के बीच खेला गया था। तो दोस्तों आपको बता दें, राजस्थान रॉयल ने टॉस जीत पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उसी के जवाब में राजस्थान रॉयल की तरफ से यशस्वी जायसवाल और जोश बटलर जो कि ओपनिंग करते हुए नजर आए, और दोनों के बीच कुछ खास तालमेल नहीं रहा। तो देखा जाए दोस्तों कि राजस्थान रॉयल का पहला झटका 13 रन के स्कोर पर लगा, जो कि जोश बटलर थे। जोश बटलर को आउट नवीन उल हक ने करवाया, केएल राहुल ने कई जिलों के। तो दोस्तों बता दें, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन, जो कि काफ़ी अच्छे लय में दिखते हुए, और संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल के बीच अच्छा तालमेल चला, जो कि महज 3 ओवर में 36 रनों की पार्टनरशिप हुई। और आपको बता दें दोस्तों कि राजस्थान रॉयल का दूसरा झटका 5वां ओवर के 6ठा गेंद पर लगा, जो कि यशस्वी जायसवाल के रूप में था। यशस्वी जायसवाल को मोहसिन खान ने आउट किया, जो कि कुणाल पांड्या ने कैच लो के। तो यहाँ से तो काफ़ी अच्छी स्थिति में नज़र आ रही थी, लेकिन यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद टीम का स्थिति खराब नज़र आ रहा था। उसके बाद रियान पराग आया और संजू सैमसन, जो कि दोनों के बीच काफ़ी तालमेल चला। दोनों ने काफ़ी अच्छे साझेदारी करते हुए टीम को बहुत आगे ले गए, और दोनों ने महज 59 बॉल में 93 रनों की पार्टनरशिप की है। राजस्थान रॉयल का तीसरा झटका, जो कि 142 रन के स्कोर पर लगा था, रियान पराग थे। रियान पराग ने 29 बॉल में 43 रन बनाए, 1 चौका और 3 छक्के की मदद से, महज 148.28 के स्ट्राइक रेट से, और उन्हें नवीन उल हक ने आउट किया और कैच लो के दीपक हुड्डा। तो दोस्तों आप बात करें कि यहाँ से एंट्री होती है सिमरन हेटमायर की, जो कि कुछ खास नहीं कर पाए, कुछ लय में नहीं दिखे, उनका फॉर्म मतलब फ्लॉप रहे। महज 7 बॉल पर 5 रन ही बनाकर आउट हुए, रवि बिश्नोई के शिकार बने। और बात करें दोस्तों ध्रुव जुरेल, जो कि ध्रुव जुरेल आए और संजू सैमसन के बीच 22 बॉलों में 43 रन की पार्टनरशिप हुई, जहां पर ध्रुव जुरेल ने 12 बॉल पर 20 रन बनाए, 1 चौका और 1 छक्के की मदद से, लगभग 166.67 के स्ट्राइक रेट से। और बात करें दोस्तों कप्तान संजू सैमसन की, जो कि 52 बॉल पर 82 रन की पारी खेले, 3 चौका और 6 गगनचुम्बी छक्के भी शामिल है इसमें, महज 157.69 के स्ट्राइक रेट से बनाए। इसी के साथ राजस्थान रॉयल का स्कोर 193 रन पर 4 विकेट रह गया, और लखनऊ सुपर जायंट का 194 रनों का टारगेट मिला। लखनऊ की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए थे क्यूटन डिकॉक और केएल राहुल, जो कि लखनऊ का पहला झटका 4 रन के स्कोर पर लगा। क्यूटन डिकॉक को आउट किया बोल्ट ने, और कैच नामदेव बरगट ने रोके थे। और दोस्तों बात करें लखनऊ का दूसरा झटका, जो कि 10 रन के स्कोर पर लगा था पार्टिकल के रूप में। और बात करें दोस्तों आयुष बडोनी, जो कि 11 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगा लखनऊ सुपर जायंट को, 3.1 ओवर में 11/3 विकेट हो गए थे। यहां से काफ़ी बुरी स्थिति हो गई थी लखनऊ सुपर जायंट की, यहां से लग रहा था कि मैच को लगभग जीत गया है, राजस्थान रॉयल ने 100 रन से जीतेगा ऐसा लग रहा था। लेकिन यहाँ से दीपक हुड्डा की वापसी हुई, और दीपक हुड्डा ने वापसी कराते हुए मतलब 60 रन के स्कोर तक ले गए, और 60 रन के स्कोर पे दीपक हुड्डा भी आउट हो गए। 7.3 ओवर में 60 रन था और 4 विकेट गिरा हुआ था। वहाँ से केएल राहुल और पूरन के बीच काफ़ी अच्छी साझेदारी हुई, और दोनों के बीच महज 52 बॉल पर 85 रनों की साझेदारी हुई, और यहाँ से टीम का स्कोर 145 रन चल गया 16 ओवर के बाद। और बता दें दोस्तों आपको कि 145 रन के स्कोर पर लखनऊ को बहुत बड़ा झटका लगा, जो कि केएल राहुल कप्तान थे लखनऊ सुपर जायंट के। और बता दें केएल राहुल ने 44 बॉल में 58 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 4 चौका और 2 छक्का भी शामिल था, महज 131 के स्ट्राइक रेट से। और बता दें दोस्तों कि यहाँ से फिर एस्टोनिस आए और एस्टोनिस ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किए, 4 बॉल पर 3 रन बनाकर आउट हो गए। और पूरन जो कि 52 बॉल पे 85 रन की पारी खेले, टीम को तो जीत नहीं दिला पाए। लास्ट ओवर में चाहिए था मतलब 25 रन चाहिए था, 27 रन चाहिए था, लेकिन पहला बॉल बैठ गया, उसके बाद 25 रन चाहिए था लेकिन रन नहीं लग पाया, 22 रन से जीत गया मैच को राजस्थान रॉयल ने। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।